मेरा यानी मौलिक चौकसी का श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। लास्ट वीक में मैंने कौन कौन से एरिया में वाटरप्रूफिंग करना चाहिए उसके बारे में एजुकेशनल माध्यम के लिए श्रीजी कंस्ट्रक्शन की यूट्यूब चैनल से आप सबको अवेयरनेस के लिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज वेल एज लेमैन के लिए जानकारी दिया था। आज मैं आपको एडमिक्सचर क्यों यूज़ होना चाहिए, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये ग्लोबल वार्मिंग के टाइम पे या स्पीडी कंस्ट्रक्शन होने के लिए या हो रहा है उसके लिए क्यों और कैसे यूज़ करना चाहिए, उसके लिए क्या पिन पॉइंट्स होते हैं कि जो हम लोगों को ध्यान में रखने चाहिए जिससे हम बढ़िया सा वाटरप्रूफिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं और लीक प्रूफ इंडिया बना सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिक्सचर, ये मैं आपको बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा कि वाटरप्रूफिंग एप्लीकेशन इन वेरियस एरिया उसमें एडमिक्सचर एट द टाइम ऑफ कास्टिंग क्यों यूज होना चाहिए, एडमिक्सचर नीडेड फॉर, उसके क्या प्लस पॉइंट है कि भाई वाटर रिडक्शन होता है, उससे स्लंप रिटेंशन होता है, स्ट्रेंथ गेन होती है, कोहेजन बढ़िया सा होता है, उसका फ्लो बढ़िया सा होता है और स्टिकीनेस होती है, माने जो भी कंक्रीट बनता है उसमें स्टिकीनेस होती है। अभी कंक्रीट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वॉल्यूम, माने कंक्रीट में कंपोनेंट्स किस हिसाब से होते हैं कि भाई एग्रीगेट जो होता है वो 43% होता है, 33% सैंड होती है, 12% सीमेंट, 5% SCM, 5-7% वाटर एंड 1-2% उसमें एयर होती है और लेस देन 0.2% केमिकल एडमिक्सचर होते हैं। ये एडमिक्सचर पूरी कंक्रीट की गेम को बदल सकता है। ये एडमिक्सचर की सही जानकारी की वजह से या सही डोसेज और टेक्निकल अवेयरनेस की वजह से या यूज़ करने की वजह से हम बढ़िया सा कंक्रीट बना सकते हैं जिससे हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सर्विस लाइफ, जो भी स्ट्रक्चर है उसकी सर्विस लाइफ हम बेहतर बना सकते हैं। अभी के ज़माने के हिसाब से कंक्रीट प्रेजेंट में कैसा होना चाहिए, उसकी हाई वर्केबिलिटी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, स्मॉलर एंड स्लेंडर एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे वो डेंस बन सके, बेस्ट सुटेबल कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए, माने इजीली हम जो भी चाहे वो शेप में उसको बना सके या मोल्ड कर सके। अभी फ्यूचर में किस हिसाब से कंक्रीट होने चाहिए, फ्यूचर का कंक्रीट क्या बोलता है, जैसे अभी मैं अहमदाबाद बेस्ड हूँ, हम लोग पूरे गुजरात और इंडिया में काम करते हैं। अहमदाबाद में अभी अभी औड़ा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 70 स्टोरी का बिल्डिंग का परमिशन दे दिया है, तो समझो 200-225 मीटर की हाइट पे कंक्रीट को फ्लो करके ऊपर भेजना, उसके लिए माने ये फ्यूचर का कंक्रीट कैसा होना चाहिए, तो फ्यूचर के कंक्रीट में इको फ्रेंडली होना चाहिए, एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड ड्यूरेबल होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, अनमैच वर्केबिलिटी एंड एस्थेटिक्स होने चाहिए, टेलर मेड फॉर इंसुलेशन एज वेल एज लाइट एंड कंडक्टिविटी होनी चाहिए। ये फ्यूचर का कंक्रीट है जिसमें हम सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट M100 ग्रेड तक अभी यूज होता है वर्ल्ड में, बहुत सारी जगह पे ये अवेयरनेस है, इंडिया में भी बहुत बढ़िया कंक्रीट टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया है, एडमिक्सचर में भी बहुत बढ़िया उसका योगदान है। और ये सेशन मैं इसीलिए यूट्यूब मेरे माध्यम से बता रहा हूँ कि ये एडमिक्सचर इतना ज़रूरी है जिसका कॉस्टिंग कुछ भी मिनिमाइज होता है, less than 1% होता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया सा बना सकते हैं और उसकी सर्विस लाइफ और पेन फ्री हम स्ट्रक्चर से रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। अभी मटेरियल यूज एज इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग एडिटिव्स में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, जैसे कन्वेंशनल वाटर रिड्यूसर्स में लिग्नोसल्फाइड होते हैं, SNF होते हैं, SMF होते हैं और PCE बेस होते हैं। एयर एंड एंटरटेनिंग में सॉप्स, रिसोनेट्स, AOS ऐसे सब होते हैं। पॉलीमर एक्रेलिक या SBR बेस में स्टायरिंग बुटाडाइन रबर होता है, SBR इमल्सन होते हैं और एक्रेलिक बेस होते हैं।
या इसके कॉम्बिनेशन सब कॉम्बिनेशन में होता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन होता है। अब एक प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर का यूसेज क्या है? जनरली फैटी एसिड बेस्ड पहले मटेरियल आते थे, अभी उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के वजह से लिग्नोसल्फाइड्स आ गए हैं, जिसके डोसेज एवरेज थंब रूल के हिसाब से 0.2 से 0.6% होते हैं। अगर कॉस्ट का पैरामीटर गिने तो ये समझो एक्स रुपीज का है, और वो M10 to M30 ग्रेड कंक्रीट के लिए यूज होता है, SMF होता है वो 1 से लेके 3% तक होता है, उसका कॉस्टिंग 3x होता है। M20 से M50 ग्रेड तक कंक्रीट में ये यूज होता है। SLF होता है वो 0.8 से 1.5 होता है, वो 2 गुना होता है उसका कॉस्टिंग, और M20 से M50 होता है। अगेन PCE ये एडवांस टेक्नोलॉजी में जो जा रहा है उसमें 0.3 से 3.0 होते हैं, वो 2x से लेके 6x एज पर द कंडीशन ऑफ द स्ट्रक्चर साइज और बहुत सारे पैरामीटर्स की वजह से। ये M30 से और ग्रेटर देन M80, M100, M120 वो कॉन्क्रीट ग्रेड में ये सब यूज होता है, उसके साथ और एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। एरियाज ऑफ इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग एडिटिव्स कि ये सब प्लास्टर्स के लिए यूज होता है, कंक्रीट जो भी बनता है, ग्रीन कंक्रीट जो भी एडमिक्सचर जो RMC से होता है वो सब में ये यूज होता है, प्रीकास्ट कंक्रीट की सब प्रोडक्ट में एज वेल एज फसाड वॉल सब में ये यूज होता है। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारा ओके है और हम पहले से उसमें एट द टाइम ऑफ कास्टिंग एडमिक्सचर यूज करते हैं तो वो स्ट्रक्चर डेफिनेटली बेटर बनेगा, पर आपका पुअर स्ट्रक्चर है तो उसमें एडमिक्सचर से बढ़िया नहीं बन सकता है। जैसे IS 2645 में इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड माने लिग्नोसल्फाइड बेस, फैटी एसिड बेस जो भी आते हैं मटेरियल उसमें, समझो हम कोई कंपनी के बारे में बात करें तो MY के आर्मेंट जो पास्ट में MY के सोमबर्ग के नाम से जानी जाती थी, वो MY के आर्मेंट में WP10 करके इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड आता है जो प्लास्टर में कंक्रीट में सब में यूज किया जाता है। उसका डोसेज होता है 150 ml से 200 ml पर बैग ऑफ सीमेंट। और ऐसे ही MY के आर्मेंट की बात करें तो अभी कंस्ट्रक्शन के टाइम, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन हम C35 माने एक्वाआर्म C35 क्रिस्टलाइन बेस एडिटिव्स पाउडर फॉर्म में आता है वो ऐड कर सकते हैं। उसका IS कोड है 16471, वो करीबन 0.8 से 1.5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेंट उसके हिसाब से एज पर द कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द साइट हम एट द टाइम ऑफ कास्टिंग यूज करके हम डेंस लीक प्रूफ बढ़िया सा कंक्रीट बना सकते हैं और हमारी कंक्रीट की स्ट्रक्चर की सर्विस लाइफ को पीसफुल, पेन फ्री और हेल्दी बना सकते हैं। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। मेरा यानी मौलिक चौकसी का अगेन श्रीजी कंस्ट्रक्शन की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पर अस्त व्यस्त न रहिए। जय हिंद।